हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल फिट यू हिट यू। सो गाइस, आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप सबकी लाइफ से काफ़ी जुड़ा हुआ है। जो 8 to 10 आवर्स जिनकी वर्किंग है, कंटिन्यू सिटिंग होती है, उनके लिए आज का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो सीधा मैं टॉपिक पे आता हूँ। जो भी 8 to 10 आवर्स कंटिन्यू आप वर्किंग करते हो, सिटिंग जॉब है जिनकी भी, उनको जो प्रॉब्लम फेस करनी होती है, लाइक डिस्क पेन हो, नेक पेन हो, आपके शोल्डर्स में पेन होती है, बैक स्पाइन पेन होता है, तो इसके लिए जो मैं आज कुछ एक्सरसाइज बताने वाला हूँ आज के वीडियो में, क्या गाइस आपको पता है, साइंस ने भी, ये मेडिकल साइंस ने भी प्रूव किया हुआ है कि आप 8 to 10 आवर्स कंटिन्यू अगर बैठते हो तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी हो सकती है। इसमें से कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जो इन फ्यूचर आपकी लाइफ में भी काफ़ी फेस करनी पड़ सकती है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज बता सकता हूँ जो इजीली आप डेस्कटॉप पे बैठे बैठे इजीली आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो, इसमें आपके बॉस को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं फर्स्ट एक्सरसाइज पे आता हूँ, जो है आपकी नेक की एक्सरसाइज। इजीली आपको नेक डाउन करना है, नेक एक्सरसाइज है फर्स्ट। इजीली नेक डाउन, देन अप, बैक अप, डाउन अप, बैक। सो गाइस, जो भी एक्सरसाइज है आप 5 to 6 टाइम इजिली कर सकते हो, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना आपको। नाउ लेफ्ट डाउन, मेक श्योर कि आपका शोल्डर डाउन होना चाहिए, आपको शोल्डर अप नहीं करना, नहीं तो ये आपको कुछ भी इफेक्ट नहीं आएगा। इसमें शोल्डर डाउन होना चाहिए, अप द शोल्डर, देन अप, डाउन, शोल्डर डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। ओके, नेक्स्ट लेफ्ट लुक डाउन, राइट लुक डाउन। ओके, नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज 360 एंगल, अदर साइड एंटी क्लॉक वाइज, अदर साइड, अदर साइड। तो गाइस, ये नेक की एक्सरसाइज है जो आप इजीली कर सकते हो, आपको 2 से 3 मिनट लगते हैं ऑफिस टाइम पे, या आप लंच टाइम में भी कर सकते हो ऑफिस में। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज है जो मैं शोल्डर की बताने वाला हूँ आपको, शोल्डर अप करना है, एंड फ्रंट साइड डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। ये 5 to 6 टाइम आप इजीली कर सकते हो, इसमें कुछ भी आपको टाइम नहीं लगना। देन बैक, सेम बैक, इसमें जो भी आपका शोल्डर का पेन होता है, जो भी आप वर्किंग करते हो, लिखते हो आपका, या लैपटॉप पे जो भी आपकी टाइपिंग काम होता है, उसमें आपको जो पेन होता है शोल्डर में, या डाउन होते हैं उसमें जो शोल्डर पेन जो आपको फेस करना होता है, वो ईजिली आप इसमें काफ़ी इसमें आपको रिलीफ मिलेगा। सो नेक्स्ट जो शोल्डर एक्सरसाइज है वो हैंड्स अप, डाउन, बैक, डाउन, बैक। इजिली आप ये शोल्डर कर सकते हो, इसलिए काफ़ी आपको रिलीफ होगा। नाउ नेक्स्ट डाउन अप, जो भी आपके जॉइंट्स है इस एक्सरसाइज में काफ़ी जॉइंट्स मूव होंगे, ये फिजिकली एक्टिविटी करने से आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। ओके, अब हम हल्का सा आपका चेयर आगे हो, इस पर आपको पीछे हैंड्स करना है, हल्का सा मूव। ओके, ये जो आपका बैक पेन है, या आप सिटिंग पोजिशन पे इजली कर सकते हो आप, इसे आपके बैक पेन में भी है और ये शोल्डर के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। सेकेंड हैंड्स फॉरवर्ड, फिंगर, ओके, डाउन, ये आपके इजीली हो गया। अब मैं आपको एक जो एक्सरसाइज बता सकता हूँ जो आप स्टैंडिंग पोज पर कर सकते हो इजीली है, कुछ नहीं है, आपको यहाँ से टर्न करना है, यहाँ पे डाउन, टच, देन अप, बैक एंड ऑन हिप्स, डाउन एंड अप। ये जो है आपकी स्पाइन प्रॉब्लम, आपको कुछ भी बैक पेन है, इसलिए इजीली एक्सरसाइज है। सो ये गाइस, ये 5-6 एक्सरसाइज थे जो आप इजीली अपने ऑफिस आवर पे day 1 day 2 में कभी कर सकते हो, लंच टाइम में कर सकते हो। 5 to 10 मिनट्स लगना है, इसमें कोई टाइम नहीं लगना, इससे जो आपको इन फ्यूचर जो भी प्रॉब्लम्स आएगी, जो हॉस्पिटल में बिल देने वाले हो, उससे बच सकते हो। सो गाइस, आज का टॉपिक यहीं पर फिनिश होता है। थैंक यू सो मच गाइस, लास्ट वीडियो में आपने काफ़ी अच्छे व्यूज़ दिए, ये ऐसे व्यूज़ इस वीडियो में भी देना, एंड प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि आपको ऑफिस टाइम पे कैसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ताकि मैं उसके लिए और भी न्यू वीडियोस लेके आऊँ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।